जनपद संभल के चंदोसी में फवारा चौक पर आज तांडव फिल्म में हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी चंदोसी के तत्वावधान में आज फवारा चौक पर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव का पूरे भारत में विरोध हो रहा है। इसी श्रृंखला में हिंदू जागरण मंच चंदोसी ने तांडव फिल्म का पुतला दहन किया और कार्यकर्ताओं ने तांडव फिल्म का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के नगर चंदोसी के महामंत्री विकास कुमार सनातनी ने कहा कि वेब सीरीज तांडव के पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं को अमर्यादित तरीके से दर्शाया गया है। इस फिल्मांकन से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है। पहले एपिसोड में ही जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले डायलॉग भी फिल्माए गए हैं। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने की भूमिका जिसने निभाई है उसका फिल्मांकन अत्यंत अमर्यादित तरीके से किया गया है। वेब सीरीज में महिलाओं का भी अपमान किया गया है। उत्तर प्रदेश में साधु संतों ने भी वेब सीरीज का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज का इंटरनेट पर प्रचार प्रसार रोका जाए और भविष्य में ऐसी फिल्म ना बने उसके लिए कोई कठोर कानून बनाया जाए। इस विषय में हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के विकास कुमार सनातनी ने कहा कि वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया गया है जिससे हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। इसलिए तांडव वेब सीरीज के निर्देशक द्वारा बिना शर्त मांगी गई माफी को अस्वीकार करते हुए उन पर कार्यवाही की जाए। आज आपने जो ये पुतला है, क्या मामला है? ये पुतला हमने अमेजन का और साथ में तांडव वेब सीरीज का पुतला दहन किया है। नगर हिंदू जागरण मंच नगर चंदोसी जनपद संभल मेरठ प्रांत तांडव सीरीज जिसमें कि हमारे हिंदू देवी देवताओं विशेषतः शिव जी और राम जी का उपहास उड़ाया गया है का पुरजोर विरोध दर्ज करते हैं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम विशेष आग्रह करते हैं कि तांडव वेब सीरीज के निर्देशक ने जो बिना शर्त माफ़ी मांगी है उसको स्वीकार न कर उनको कठोरात्मक कार्रवाई की जाए जिससे आगामी समय में कोई भी निर्देशक हिंदू देवी देवताओं का आराध्यों का श्रद्धा भाव का उपहास ना उड़ाने का कोशिश कर सके। आज ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का किसी भी तरीके से मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो वेब सीरीज लैला हो, चाहे वो वेब सीरीज आश्रम हो, इत्यादि कोई सी भी हो। आज के दिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड हुआ था, बहुत तादाद में हिंदू नरसंहार हुआ था, उस पर कोई भी कभी भी कोई वेब सीरीज नहीं हुई। इस्लामिक कट्टरपंथी को लेकर ये लोग कभी वेब सीरीज नहीं बनाएंगे। लाइमलाइट में रहने के लिए इनका जब मन करेगा तब हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाएंगे। हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत इसका पुरजोर विरोध करता है और माननीय मोदी जी से विशेष आग्रह करते हैं कि ऐसा कोई नियम ही बनाए जिससे OTT कंटेंट हम बहुसंख्यक लोगों के हृदय को पीड़ा न दें।